why is it necessary for us to thank to Allah? Think about it. थोड़ा सा अपने ज़हनों पर जोर दें. Look into your surroundings. कि आपके पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें आप यूज कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए. अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कोई चीज लाकर देते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई चीज लाकर दी, तो क्या होता है? सबसे पहले यू बिकम वेरी हैप्पी. It is very cheerful for you that you something you which is very liked by you, which is most liked by you, and suddenly it comes in front of you for you. So आप बेसाख्ता होकर अपने माँबाप को प्यार करते हैं, thank you करते हैं. So why should not to Allah? After all, He gave us so many things to us, which is really a blessing for us. And उसके अलावा, उस जात के अलावा, वो चीज़ हमें और कोई मुहैया कर ही नहीं सकता. So it is very important for us, while looking in our surroundings, we should see that He gives us what we need. जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, वो हमें अल्लाह पाक से मिलती हैं when we ask to Him. And sometimes we do not ask to Him, and it comes in front of us. He loves us. He loves us more than our mother. Do you think कि आपकी अम्मी से ज़्यादा आपको कोई प्यार करता होगा? Never. हमें लगता है कि हमारे हमारे बाबा हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी बड़ी बहन हमें बहुत ज्यादा प्यार करती है. मे बी कि आपकी बड़ी बहन आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हो, बट नॉट लाइक योर मदर. योर मदर इज द वन हु लव्स यू वेरी मच. ही शी कैन डू एनीथिंग फॉर यू. ठीक है, आर यू एग्री विद मी? सो द अल्लाह इज द वन जो आपको आपकी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है. Just imagine आपकी अम्मी आपको कितना प्यार करती हैं और उससे 70 times ज़्यादा अल्लाह loves you. So we should thank Allah for no reason. हम बहुत सारी नाफरमानियां भी करते हैं, बहुत सारे उसके अहकाम नहीं भी मानते. In spite of all this, He loves us very much. So we should thank to Him. The second one, He takes care of us while we are in trouble, while we are in a problem. He takes care of us. He helps us every time. अंधेरे में और डार्क रूम्स में जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं? We recite something, we recite a surah, we recite ayatul kursi and whatever we know. कोई भी आयत जो आपके माँ बाप ने, जो आपके टीचर्स ने, जो आपके बड़ों ने आपको सिखाई होती है, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. And while reciting the surah, हमें ये महसूस होता है that Allah is protecting us. This is the surah for which Allah is protecting us. The fourth one answers our prayers. Obviously, no one is here to answer our prayers except Allah. He is the Wadahu La Sharik and He is the one who answers our prayers. Second one, He sent prophets to guide us. Being a Muslim, there is no need to tell you that Allah Ta'ala ne hamein aise kuch जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ ऐसे सहाबाए के नाम को उतारा, उनको भेजा हमारी गाइडेंस के लिए, जिन्होंने हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, हमें बताया कि हमें किस तरह से अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करना है. एंड एट लास्ट, इन द वेरी लास्ट, विच इज आर कॉन्सेप्ट खत्म नबूवत, कि आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में उतारा गया जो कि अल्लाह की तरफ से. He is the messenger for us. He is the guide for us. He is our leader, जिनको हमारे लिए भेजा गया कि वो हमें गाइड कर सके कि हम कैसे अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चलें. तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस. इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर अस कि अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा टू गाइड अस, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें. सो फॉर दिस रीजन वी शुड बी थैंकफुल टू आवर अल्लाह. द नेक्स्ट, He gives us senses. In your science chapter, you must read about the five senses which Allah gave you. Eyes, ear, nose, tongue. ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे हम जो है चीजों को देखते हैं, सुनने की सलाहियत रखते हैं,
चखने की सलाहियत रखते हैं, सुनने की सलाहियत रखते हैं और अपने हैंड से हाथों से महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वो नेमते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजी हैं। एंड फॉर ऑल दिस वी शुड थैंकफुल टू अल्लाह। ही प्रोटेक्ट्स अस ऑल द टाइम एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही गिव्स अस सो लवली पेरेंट्स। कि अल्लाह की जात के बाद अगर इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो आपके वालिदैन हैं। अगर आपका सबसे ज्यादा कोई ख्याल रखता है तो वो आपके वालिदैन हैं। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स, फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स वी शुड थैंक टू अल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर। मेक श्योर टू रीड इट लाउडली विद मी, रीड इट लाउडली विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड in your spare time this will be your activity to search the meaning of these difficult words so that it will be easy for you to understand the chapter. Thank you everyone.